Ishkabal's dear Dean. मुझे भी दो ना। हाँ रुको थोड़ी देर। तुम कब से खेल रहे हो कबाब? अभी मुझे खेलने दो ना। अरे तुम तो रोज खेलते हो, ये तुम्हारा ही तो है। एक दिन मुझे भी तो खेलने दो ना, देखो मजा आ रहा है। क्या मुसीबत है? ओ कबाब मुझे भी खेलने दो ना। ये मेरा नहीं है, साबू का है। तुम्हें चाहिए तो उसी से पूछो। साबू मैं थोड़ी देर खेलूं क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, अभी मैं ये किसी को खेलने नहीं देने वाला हूँ। कबाब तुम इससे कुछ कहो ना। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। आज ये तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, परसों किसी और का, समझे साबू? हाँ समझ गया। अच्छा तो फिर तुम्हारी बात मैं थोड़ी देर के लिए खेल सकता हूँ? इतना आसान नहीं है, मेहनत करनी होगी। मेहनत? उस प्लेन को मैं थोड़ा नीचे लेकर आता हूँ, तुम्हें उसे पकड़ना होगा, और अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो तुम उसके साथ खेल सकते हो। और मेरा क्या होगा? ठीक है मैं तैयार हूँ। तो खेल शुरू करते हैं। अभी पकड़ता तुम्हें, रुको रुको। अरे जल्दी करो मिचुओ, तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। मुझे दूर मत भागो, रुको मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। देखो मैं तुमसे खेलना चाहता हूँ। अरे रुको रुको, अरे भागो मत। चलो तुम इसे पकड़ के कबाब ये खराब हो जाएगा। आज तुम्हें तुम्हें पकड़ के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। आप पकड़ लिया। अरे नहीं नहीं, वो पानी में गिर गया। अरे मिचुओ प्लेन को ठीक है ना? मुझे माफ कर दो, इसे थोड़ा पानी लग गया। तुमने क्या कर दिया? तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते हो। चलो साबू निकलते हैं। रुक जाओ, तुमने कहा था कि मुझे भी खेलने दोगे, रुको ना। नहीं मेरा मन बदल गया है, अब नहीं दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत? अभी मजा चखाता हूँ उस कबाब के बच्चे को। तुमने मेरा प्लान तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो साबू, मुझसे गलती हो गई। पर तुम टेंशन क्यों लेते हो? तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए नया लेकर आएंगे। हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या कबाब, इस गलती के लिए? अरे तुम शांत हो जाओ, वो तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। हाँ ये क्या है? वो कुछ नहीं है। अरे वाह, ये तो आज के बेसबॉल मैच की दो टिकटें हैं। ये तुम हम दोनों के लिए लाए हो ना, तुम कितने अच्छे हो साबू। हाँ कबाब कबाब, कहो परमैन क्या बात है? मैं यहाँ पर तुम्हें चिढ़ाने आया हूँ, ये देखो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मेरा मुक्का जबरदस्त है, बच सको तो बच लो। चलो मेरा काम तो हो गया, बाय बाय। हो गया? मैं कहा हूँ? तुम सिर्फ तब बोल सकते हो जब मैं तुम्हें बोलने को कहूँ, समझे? तुम्हें तो मैं कुछ भी नहीं कह सकते हो, मैंने तुम्हें बांध दिया है, अब गुदगुदी भी करूँगा। क्यों दूसरों को तक करने में बड़ा मजा आता है? अब आ रहा है मजा? आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं? आया। फिलहाल इसे अपने दिमाग में स्टोर कर लो, मैं बस अभी आया। अरे साबू तुम इस वक्त यहाँ? मिसो क्या तुम परमैन से कहकर मेरी कुछ मदद कर सकते हो प्लीज? क्या परमैन से? उस कबाब ने मेरे नाक में दम कर रखा है, हमेशा मुझे परेशान करता रहता है। पर भले मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं? प्लीज मिसो, जानते हो कबाब ने सुबह मेरा प्लेन भी तोड़ दिया और इसके लिए मुझे डांट खानी पड़ी। अच्छा, और जानते हो कबाब के साथ आज और क्या क्या हुआ था? सभी खिलाड़ी तैयार हैं, बॉलर अपना अगला बॉल डालने के लिए तैयार। अरे अच्छे से खेलना। बैट्समैन पहुंच गए अपने क्रीज पर। जरा अच्छे से शॉट लगाना। तुम कर सकते हो। बॉल फेंकने को तैयार, बैट्समैन बैटिंग के लिए। ओह ये तो बहुत ही खतरनाक बॉलर है, मुझे टेंशन हो रही है साबू, तो मेरे लिए जूस लेकर आओ ना। जूस अभी? हाँ अभी लेकर आओ, जाओ। जाता हूँ, गुस्सा मत करो। और ये बॉलर फेंका, शानदार टच, और बैट्समैन चूक गए। अरे ये लो जूस। जाओ एक काम और करो, मेरे लिए सैंडविच लेकर आओ। सैंडविच भी खाना है क्या? थोड़ा जोर से शॉट लगाओ। ये लो सैंडविच। अब क्या हुआ? मेरे पेट में दर्द हो रहा है साहब, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। अभी मैच के बीच में? उसके वजह से मैं मैच भी नहीं देख पाया। तो तुम्हें कबाब से सीधी सीधे बात करनी चाहिए ना, आसान है। ना रे बाबा ना, वो तो बात बात पर भड़कता है, तुम ही कुछ करो ना प्लीज।
जल्दी 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 इसे घर तक पहुंचा देता हूँ, फिर मैं 2 घंटे के लिए खेलने चला जाऊंगा। ये रोज रोज की डिलीवरी से मैं थक गया हूँ, काश कोई मेरी मदद कर पाता। अरे कबाओ, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? बड़े अच्छे वक्त पर आए हो परमैन, मुझे मैच खेलने जाना है, ये मेरे घर पहुंचा देना। शुक्रिया परमैन, बाय बाय। मेरा तो पोपट हो गया। पर हम साबू की मदद भला कैसे करेंगे? कबाओ को पता चला तो वो साबू को और तंग करेगा। पर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, साबू जब मदद मांगने आया था तो बहुत परेशान था। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम जाकर कबाओ से सीधे सीधे बात क्यों नहीं करते? मैंने भी पहले यही सोचा था, पर कबाओ से बात करके कोई फायदा नहीं, वो नहीं सुधरेगा। मेरी बात मानोगे? मेरे दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया है। तुम्हारा आइडिया है तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो मेरे ही दिमाग से निकला हुआ है। तुमने पिछली बार जब मुझे कबाव बनाया था ना, वो मेमोरी अभी भी मेरे दिमाग में है। इसका क्या मतलब है? हाँ मैं समझ गया, तुम्हें एक और बार उसका रूप लेना होगा, फिर जो होगा वो सब उसकी मेमोरी में ट्रांसफर कर देंगे, है ना? वाह, साइकिल लेके। यार ये रोज रोज की मजदूरी से तो मैं तंग आ गया हूँ, पर मजदूरी है, करना पड़ता है। बुरा अच्छा रोबोट जाओ। अरे आसमान टूट पड़ा क्या? माफ करना। परमैन होकर एक थैली नहीं संभाल सकता, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो परमैन? बस थोड़ा इंतजार करो कबाओ, अभी पता चल जाएगा तुम्हें। लेकिन कुछ तो बताओ। नहीं, मैं बताकर मजा खराब नहीं करना चाहता। अरे बाप परमैन, मुझे यकीन नहीं होता तुम मुझे मैच देखने के लिए लाए हो। कुछ ऐसा ही समझो। लेकिन परमैन हम बहुत ऊपर हैं, थोड़ा और नजदीक नहीं जा सकते क्या? थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें एकदम मैदान पर ही ले चलूंगा। मतलब मैं समझा नहीं। और ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान पर आने ही वाली है। ये क्या? हाँ तुम कौन हो? ओए बदमाश, गाड़ी से उतर। यहाँ से निकल जाओ। मुझे माफ कर दो। भागो, भागो फिर पर से। तुमने हिम्मत कैसे की अंदर घुसने की? कहाँ भाग रहा है? अगली बार इस मैदान के आसपास भी दिखा तो चट्टी बना दूंगा, छोड़ूंगा नहीं तुझे। अगली बार मत करना। सब ऐसा कभी नहीं हुआ पर मैं, अब मैं कभी मैच नहीं देख पाऊंगा। इसमें रोने जैसा क्या है कबाब? बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ वो तो है। तो तुम्हें फिर से मैदान में ले चलूँ क्या? नहीं नहीं, मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। फाइनल लाइन पे। ये मैं कहाँ हूँ और मुझे कुछ चुप जाओ और मैं भी ट्रांसफर करो सके। चलो जाओ, चलो चलो जल्दी। क्या मैं अभी पट्टी उतार दूँ? नहीं नहीं, अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, बचाओ। तुम मैच देखने नहीं आओगे? नहीं, मैंने एक बहुत ही अजीब सा सपना देखा था। जानते हो मुझे बहुत डर लग रहा है साबू। क्या तुम एक सपने से डर गए कबाओ? देखो तुम्हें जिसके साथ जाना है जाओ, मुझे तंग मत करो, ठीक है? देखा तुम्हारा काम हो गया, ये सब परमैन का ही कमाल है दोस्त। वादे के मुताबिक मैं तुम्हें मैच देखने ले चलूँगा। तुम सच में मुझे ले जाओगे? हाँ चलो। दर्शकों की भीड़ मैदान खचा खच भरा हुआ है। हमें मजा आना चाहिए। जोर का शॉट लगाना। मारो सचिन। जो जूस पीना चाहोगे? तुम पियोगे तो जरूर पियूंगा। तो फिर तुम्हें खुद जाकर हम दोनों के लिए जूस लाना होगा। ठीक है अगर तुम कहते हो तो जाता हूँ, लेकिन याद रहे सिर्फ एक बार। जूस के साथ सैंडविच भी ले आओ। अरे ये साबू तो ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जा रहा है, क्या हो गया इसको? इससे तो अच्छा होता मैं घर बैठे बैठे टीवी पर मैच देखता। क्यों आया मैं यहाँ पर लाइव मैच देखने?